और मणिपुर की राजधानी इम्फाल में केंद्रीय मंत्री आरके रंजन सिंह के घर उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया। भीड़ उनके घर में आग लगाने पहुंची और उनका घर और उनकी गाड़ियां जला दी। सैकड़ों की संख्या में आए उपद्रवियों ने विदेश राज्य मंत्री आरके रंजन सिंह के घर में तोड़फोड़ की और बाद में उसे आग के हवाले कर दिया। हालांकि जिस समय यह वारदात हुई केंद्रीय मंत्री अपने घर पर नहीं थे। उपद्रवियों ने मंत्री के घर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर पेट्रोल बम से हमला किया था। कल रात करीब 11 बजे अचानक भीड़ आई और मंत्री के घर में जबरदस्ती घुस गई। गेट पर तैनात हाउस गार्ड भी भीड़ को रोक नहीं पाए। हमले के दौरान भीड़ ने चारों तरफ से पेट्रोल बम फेंके। भीड़ बहुत ज्यादा थी इसलिए उन्हें काबू नहीं किया जा सका। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि उपद्रवियों ने खतरनाक तरीके से घर में आगजनी की। Sometimes some vested interested group wanted to use this religious card, but we totally against it and there is no religious. You cannot identify it whether this is church or this is temple. Everything is there. Demolished. More than 70,000 the peoples were displaced. This is not on the basis of caste, creed or religions. It's a mob.